टेस्ट में सचिन अपने बल्ले से 74 रन बनाने में रहे कामयाब। सचिन के टेस्ट करियर का ये 68वां अर्धशतक रहा। मुंबई टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी में 126 रन से हराया। श्रृंखला 2-0 से जीती। सचिन ने 74 रन की शानदार पारी खेली। वहीं पुजारा और रोहित शर्मा ने भी सैकड़ा जमाया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मिजोरम में, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनाव रैलियों को संबोधित। रक्षा मंत्री एके एंटनी रूस के सैवमास शिपयार्ड में। INS विक्रमादित्य को करेंगे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल। इस विमान वाहक पोत के शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमता में होगी वृद्धि। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर के 5वें और आखिरी कक्षा उन्नयन का काम सफलतापूर्वक किया। 1 दिसंबर को मिशन मंगल की कक्षा की ओर बढ़ना करेगा शुरू। कर्नाटक के बेलगाम में ट्रक के पलटने से 21 मजदूरों की मौत, 13 अन्य घायल। ट्रक यदगिरी से बेलगाम जा रहा था। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दूसरे दौर का मतदान। पूर्व राष्ट्रपति नशीद और अब्दुल्ला यामीन के बीच होगा मुकाबला। मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद ने छोड़ा पद। गत चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व शतरंज चैंपियन की 5वीं बाजी में आज नॉर्वे के चैलेंजर मैग्नस कार्लसन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। और छठा मैच आज।